परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ, वो तो तुम ही हो तत्त्वमसि। कहाँ बाहर खोजते हो, व्हाट नॉनसेंस। एकदम किसी ने समझा दिया, पड़ोसी जा रहा है वहाँ तीर्थ जा रहा है धर्म कमाने, कोई कह दिया वहाँ मंदिर जा रहा है मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहा है वहाँ मिल जाएगा, कोई कह दिया नहीं ऐसा कर रहा। कहाँ भटक रहे हो, बुला बजा की नौटंकी, टोटल नॉनसेंस, कुछ भी नहीं, अंधे अंधे ठेलिया। तुम इसलिए धर्म के नाम पर ऐसा वैसा करते रहते हो क्योंकि कहते हो कि हमारा पड़ोसी भी करता है, हमारे रिश्तेदार भी करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी क्यों करता है, वो कहता है कि हमारे पड़ोसी करते। तुम उसको देख के ना समझी भर नरक का जीवन जीते हो, वो तुमको देख कर ना समझी का जीवन और नरक का जीवन जिंदगी भर झेलता है। तुम्हें भगवान ने प्रज्ञा दी है, तुम्हारे ऋषियों ने कहा तत्त्वमसि, वो तू ही है, तुम्हारे भीतर ही है सब कुछ, तुम्हारे भीतर वो आनंद के रूप में छिपा है, तो तू आनंदित होना शुरू कर जहाँ है वहीं पे, काहे इधर उधर भागता है। कस्तूरी कुंडल वसत मृग ढूढ़त वन माह, दुनिया में पहली कौम हमने कहा दुनिया को, सबका क्रिश्चियनिटी यहूदी सबके दुनिया में जितने धर्म हैं सबका परमात्मा सातवें आसमान पे बैठा है, लेकिन जगत गुरु हमको कहा गया क्योंकि हम पहले लोग हैं दुनिया में जिसने कहा कस्तूरी कुंडल वसत, परमात्मा तो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है। और हमने बताया कि उस परमात्मा को जो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है उसको अनुभव करने का, उसको साक्षात करने का, उसको उपलब्ध करने का उपाय भी है। और हमने कहा उपाय है बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाओ, दौड़ो नहीं भागो नहीं। अगर कोई चीज़ तुम्हारे भीतर ही है और तुम उसको पाना चाहते हो तो जितना ही तुम दौड़ोगे अपने से दूर भागोगे उतना ही तुम उससे वंचित हो जाओ। तो तुम उसे पाने के लिए जितना ही तीर्थ यात्राएं करते हो, जितना ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के चक्कर लगाते हो, उतना ही तो उससे दूर होते कोई चीज़ दूर पड़ी है उसको पाना है तब तो जितना चलोगे चलो उसके नज़दीक जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे भीतर ही पड़ी हुई है उससे तुम अपना संबंध जोड़ना चाहते हो तो जहाँ तुम हो वहाँ से जितना दूर भागोगे उतना ही उससे दूर चले जाओगे, उतना ही तुम भटक जाओगे, उतना ही तुम्हारा उसे पाना उसके साथ होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें मिलता नहीं है वो, इसीलिए मैं कहता हूँ ठहर जाना ही एक मार्ग है, भागना नहीं दौड़ना नहीं ठहर जाना ही मार्ग है। और ये ठहर जाना कैसे संभव है, तुम जिंदगी में ठहर जाओ, नो वेयर टू गो बट इन। ठहर जाने के अलावा, भीतर जाने के अलावा उसे पाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जिसने जाना उस सब ने कहा नो वेयर टू गो, कहीं जाना नहीं है, कहीं दौड़ना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है, सिर्फ जहाँ हो वहीं ठहर जाने की कला सीखनी है।